गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में आपको देखो जी, बात सीधी सी है, कोई शॉट नहीं लेना, कोई रीटेक नहीं लेना मैंने, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही फ्लो में जो बात मेरे मुंह से निकले वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ और अपलोड करके आपके सामने पेश कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक कर दें, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ना लाइक करें। गड्डियों बहुत रश है जी, बहुत रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है, लेकिन अभी आ गया, ऑप्शन आ गया। अच्छा जी, तो बात यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह सऊदी अरब में रमज़ान का आज मेरे ख्याल 7वां रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया और 8वें की इंशाल्लाह आज सुबह सहरी करेंगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और रात के टाइम की ड्यूटी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट ड्यूटी है, ठंडी ठंडी ड्यूटी है। ईशा के बाद तकरीबन स्टार्ट होती है और 2 बजे तक ख़त्म हो जाती है, तो 2:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाता हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी और सहरी होती है, और सहरी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद बस फिर सो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? असल में मैं ये सोच रहा था कि काफ़ी दिन हो गए, ठीक है, कि वीडियो बनी नहीं, और अजीब अजीब सा दिमाग में ख्यालात आ रहे थे कि यार क्या किया जाए, क्या किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। तो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ टाइम चाहिए और वक्त चाहिए और लोकेशन भी चाहिए। तो टाइम भी नहीं मिला, वक्त भी नहीं मिला, लोकेशन भी नहीं ढूंढी। तो आज छुट्टी थी, तो अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के, ठीक है, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं निकला हूँ, एक रैंडम सी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह, और ये उसी वीडियो का हिस्सा है। तो इस टाइम मैं दमाम में हूँ और मैं आपको थोड़ी देर में आपका आउटडोर भी व्यूज़ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए आप। और इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको एक स्केच सा दिखाया है, वो स्केच तो बस ऐसी मेरी एक ट्राई की है, मैं उसको बनाना चाहता हूँ बड़े ही अच्छे खूबसूरत अंदाज में, लेकिन मसला वही है कि लाइट वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं सारी अपनी वीडियो मोबाइल से बनाता हूँ, ठीक है, कैमरा शैमरा तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ले लेंगे इन फ्यूचर, कोई मसला नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ और मोबाइल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं उससे मेरा जो दिल करता है मैं बना लेता हूँ। खैर, इधर मेरा ख्याल है अपना कोई एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह खैर रखे। अच्छा, तो मोबाइल से मैं बना लेता हूँ वीडियो। हाँ, एक्सीडेंट है और कोई चोट चोट भी लगी है जिसकी वजह से एम्बुलेंस भी आएगी, अल्लाह का ख्याल रखे। शुरता भी है, मरहूर भी हैं, वाह सारे लोग हैं माशाल्लाह। आज स्टेडियम की लाइटें भी ऑन है, मुझे लगता है अंदर मैच हो रहा होगा या प्रैक्टिस हो रही होगी। और इसके अलावा इस वीडियो में कोई ख़ास तो टॉपिक नहीं है, ना कोई कंटेंट है, बस छुट्टी का दिन था तो वीडियो बनानी की ख्वाहिश आई, तो मैंने कहा बना लेते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कॉर्निश समंदर पे, कॉर्निश के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं, मसलन बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है, वो खुबर से स्टार्ट होता है समंदर, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से लगता हुआ कहाँ कहाँ लगता है जाके, मतलब इस एरिया में, इस पूरे शर्गिया में समंदर के बीचेस जिसे होते हैं बीच, अब ये नहीं पता बीचेस कहते हैं या बीच कहते हैं, जो भी कहते हैं, साहिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारे घर के जो करीब पड़ता है वो है
तमाम कॉर्निश ठीक है, अच्छा खूबसूरत है, हुबर कॉर्निश है, तारूत है, रास्त नूरा है, काफ़ी ज़्यादा है पॉइंट माशाल्लाह से। तो ये था, बाकी मैं वीडियो वगैरह देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और वीडियोस आ रही हैं और माशाल्लाह लोग फेमस हो रहे हैं। तो फेमस होने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं। अब जो वो गुजरांवाला के लड़के हैं जिनका वो चैनल है, फनी वीडियो बनाते हैं, एक बीच में मोटा सा है, वो हमेशा औरत का करैक्टर करता है और पंजाबी में बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब चल रहा है कंटेंट उनका, वो देसी सा बनाते हैं, घरेलू मसाइल शो करवाते हैं सारे, तो उनका चल रहा है निज़ाम। तो इस तरह आप भी चला सकते हैं, लेकिन मेरा मैं बनाने को मैं वो भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता वो बनाने का, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में या मेरे दिल में वो एहसास ही नहीं आ रहा कि मैं इस तरह की चीज़ तैयार करके बनाऊँ। आदत नहीं है ना, मैं मेरा दिल कर रहा ना मेरी कोशिश है, बना सकता हूँ बल्कि मैं क्या काफ़ी हर कोई बना सकता है। तो वीडियो वगैरह इंशाल्लाह आती रहेगी, बनाते रहेंगे और गिव अप नहीं करना, इंशाल्लाह बनाएंगे, चैनल चले या ना चले, लोग देखें ना देखें, भाई हमने तो वीडियो बनानी है यार। ये मैंने ट्राईपोर्ड रखा हुआ है यहाँ पे, तो ट्राईपोर्ड हिल रहा है, तो ता 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 ऐसे आवाज़ आ रही है, इसको मैं कुछ करता हूँ, जगह चेंज करता हूँ यार, पीछे रख देता हूँ। सर मैंने मैंने इसकी लाते नहीं बंद की, तीन स्टेप होते हैं, मैंने एक बंद किया, दो खुले हैं, तो इस वजह से वो हिल रहा है। अच्छा बाकी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, बनती रहेगी, सिग्नल बहुत ज़्यादा है आपने, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं सारे रास्ते में आपसे बातें करता जा रहा हूँ इस वजह से। हेलो जी, मैं समंदर पे पहुंच चुका हूं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, पार्किंग लगानी है तो बस समंदर पे चलते हैं, गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे, बेहतरीन साफ़ सुथरी पार्किंग हमें अवेलेबल हो गई है, गाड़ी सीधी कर देते हैं भाजी। लो जी ये हो गई गाड़ी, बिल्कुल रख ब्रेक ते ऑफ हो गया, तो चलते हैं, बस एक मिनट मोबाइल वगैरह पकड़ लेता हूँ। अब मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखाता हूँ यार, ये तो चलो चल के देखते हैं कि किस तरह का आज माहौल है। चलिए जी, मैं समंदर पे तो पहुँच चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ, वो सामने समंदर है, ये छोटी छोटी उन्होंने हट्स बनाई हुई हैं, फैमिली लाओ सामान रखो तो बह जाओ, बस ये साफ एरिया नहीं है, मैं मुझे लगता है मैं किसी गलत जगह पे रुक गया है, ये भी समंदर का हिस्सा लेकिन इस दफ़ा पता नहीं किधर मैं रुक गया हूँ। मेरे ख्याल ये बोट वाली साइड है, यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है मेरा ख्याल, हाँ ये वही जगह, हाँ मैं समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कश्तियों वाली साइड है, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, ठीक है, और वो आगे आपको नहीं नज़र आ रहा, मुझे नज़र आ रहा, वहाँ पे एक बाउंड्री दी हुई है, मतलब एक छोटा सा अहाता दिया हुआ है उन लोगों को कि वो वहाँ से अपनी कश्ती चलाओ, वहाँ तक अपनी कश्तियाँ बगा सकते हो तुम। यहाँ पे लोगों के पास प्राइवेटली कश्तियाँ होती हैं, ऐसे लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, इस तरह की कश्तियाँ होती हैं, फिर उनको एक परमिट जारी होता है बल्दिया की तरफ से कि भाई तुम हाँ समंदर में कश्ती चला सकते हो। ये देखो ये लहरें आने लग गई क्योंकि वो कश्ती गुजरी है, वो देखो थानू नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त लहरें आने लग गई हैं कश्ती की वजह से, हो सुभान अल्लाह।
ये देखो जी, ये सिक्योरिटी भी है, घूम रही है। ये अच्छी बात है कि भाई सिक्योरिटी हर टाइम यहाँ पे रहती है कि भाई कोई चीनी भी ना हो जाए। लो जी, मैंने डिसाइड किया कि ये जगह सही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से चला जाए। तो बस मैंने एक छोटा सा विज़िट किया, तो यहाँ से चलते हैं किसी और जगह पे। अगर अच्छा व्यू नज़र आया तो मैं रोक के वीडियो बना लूँगा, नहीं तो फिर हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे और किसी और दिन प्रॉपर क्रिएटिव शॉट्स के साथ हाज़िर होऊंगा आपके पास। क्योंकि आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ कि बस वीडियो बन जाए, क्रिएटिविटी बनाना चाहता हूँ लेकिन वो बन नहीं पा रही, टाइम वगैरह नहीं मिल रहा, हाय बड़े मसले हैं। तो ड्यूटी भी होती है, काम भी करना होता है, बड़े मसाइल होते हैं। देखें जी, ब्यूटीफुल वेदर भी अच्छा है यार। और नहीं जी, ये कोई ख़ास बीच नहीं था, तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है जी। एक बंदा यहाँ से गुजरा है साइकिल पे, और क्या बात है उस बंदे की, यानी लम्बे पै के साइकिल चला रहा है। या पता नहीं ये साइकिल की डायरेक्शन ही ऐसी है, डिज़ाइन ही इस तरह हुई हुई है कि वो लेटा हुआ है और लेट के साइकिल चला रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये साइकिल ही मेरे ख्याल डिज़ाइन इस तरह है, या पता नहीं ये क्या आदमी कर रहा है। ये देखो जी, ये साइकिल है, ये चला ही लेट के रहा है। ये देखो, ये क्या कर रहा है भाई। अच्छा हाँ, वो जो स्टार्ट में जो एक बंदा था मेरा हमशक्ल, वो मैंने उसको उतार दिया, ठीक है। तो उसको मैं आपसे मिलवाऊंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, ठीक है। अभी मैंने उसको उतारी वहीं पे ला दिया जहाँ से मैंने उसको चुका था, ठीक है। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।